अगले सवाल में दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल 7025 और x माइनस वाई इज इक्वल 3003। कह रहा फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल एक मैट्रिक्स दी है, x माइनस वाई भी मैट्रिक्स दी है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, ऐड करते ही x और x कितना हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की हैं, ये भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो ये ऐड हो सकती हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0, 0, 0, 3, 2 और 0, 2, 5 और 3, 8। ये वैल्यू हो गई x की। तो यहाँ से x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2x की वैल्यू ये हुई, x की वैल्यू कितनी आएगी 10/2, 0/2, 2/2, 8/2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाएगा 1/2 बनेगा, और वो 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सब में 2 का डिवीजन हो जाएगा। तो यह आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 5014, यही हो जाएगा x। अब y पता करना है, y दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यही वैल्यू x की उठा के किसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए वैल्यू, या फिर यहीं से जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम x की वैल्यू उठा के यहाँ रख रहे हैं, ये प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस x होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7025 माइनस x की वैल्यू कितनी आई 5014। तो 7 माइनस 5 हो गया 2, 0 माइनस 0, 0, 2 माइनस 1, 1, 5 माइनस 4, 1, ये हो जाएगी y की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स ए, फाइंड ए मैट्रिक्स ए विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, मतलब कि ए की वैल्यू पता करनी है। अब ये प्लस में है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस 6, माइनस 3, 8। माइनस में यही मैट्रिक्स चली जाएगी उधर, तो 2, 3, माइनस 1, 4। अब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 6 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 9 आएगी, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, 8 माइनस 4, 4 आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2xzyt प्लस 3(1, -1, 0, 2) इज इक्वल में दे रखा है 3, 3, 5, 4, 6। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2xz 2y और 2t। ये जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 3-3, 0, 6 इज इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 15, 12, 18। यहाँ पर 2x2 के मैट्रिक्स हैं, इन सबको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2t प्लस 6। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स आया, इक्वल आ रहा है किसके 9, 15, 12, 18। ये भी 2x2, वो भी 2x2, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ से 2x प्लस 3 इज इक्वल हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9-3, 6/2, 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y ये रहा, इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 12, तो 2y इज इक्वल 12, 2 6 12, y की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट 2z-3 इज इक्वल 15, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस 3, 15 + 3, 18, z की वैल्यू आ जाएगी 9। 2t + 6 इज इक्वल हो जाएगा 18, प्लस का 6 है उधर जाएगा माइनस 6 बनेगा, तो 2t
इज इक्वल हो जाएगा 12, t की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, ऑफ x। तो क्वेश्चन है x मैट्रिक्स दी हुई है, एक 2x, 2, 3x, प्लस में है 2, 8, 4, 5x, 4x, इज इक्वल में 2x स्क्वायर प्लस 8, 10, 24, 6x। ये क्वेश्चन दी हुई हमसे, x की वैल्यू पूछ रहा है और नॉन जीरो वैल्यूज निकालनी है, मतलब जो जीरो ना हो। तो पहले इनको सॉल्व करें, x को अंदर भेजेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x, 3x, x स्क्वायर, प्लस में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, 10x, 8, 8x इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20 और 6 हो जाए 12x, ये हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के हैं तो इनको ऐड किया जा सकता है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बीच में प्लस लगा है तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 10x, ये आ जाएगा 3x प्लस 8, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल में 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20, 12x। अब ये दोनों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इनको चाहे तो हम इक्वेट करा सकते हैं, इक्वल का साइन लगा है बीच में, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल कितना है 2x स्क्वायर प्लस 16, इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी x की, तो इसको रहने देते हैं, जिस एलिमेंट से हमें वैल्यू मिल सके हम उसको लिखेंगे, तो 2x प्लस 10x, 12x इज इक्वल 48, तो यहाँ से 12 फोर जा 12 चौके 48, x की वैल्यू 4, 3x प्लस 8 बराबर 20, तो 3x प्लस 8 बराबर 20, तो 3x बराबर हो जाएगा 12, 3 चौके 12, x की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई 4। इसको देखिए, x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल 12x, x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल 12x, यहाँ से 8x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 8 4x। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से कभी भी ऐसे x को x से कैंसिल नहीं करना है, ऐसा क्यों? जैसे जनरली क्या होता है, सॉल्व करते समय हम लोग x से x कैंसिल कर देते हैं, उससे होगा क्या, एक रूट मिस हो जाएगा, एक रूट मिस होने का मतलब यहाँ पर कितने रूट हैं, दो। अगर आपने x को x से कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, लेकिन ये कैसी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में दो रूट आने चाहिए थे, तो 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 0, x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल 0, यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 4। हालांकि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नॉन जीरो वैल्यू बतानी है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, लेकिन कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यही आंसर हो जाएगा, इसकी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल 0, ओ है ये ओ, जहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस 1, 2, 3, 4, b की वैल्यू दी हुई है 3, 1, माइनस 2, 5, x की वैल्यू हमें पता करनी है यहाँ से इस इक्वेशन से। अगर इसमें देखें 2a और b प्लस में है उधर भेज सकते हैं, या यहीं पर देखें 2 a की वैल्यू रख दी माइनस 1, 2, 3, 4, प्लस b, b की वैल्यू है 3, माइनस 2, 1, 5, प्लस में x तो हमें पता ही करना है, इज इक्वल में o, o का मतलब हमने आपको बताया था नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, o का मतलब सारे एलिमेंट कितने होने चाहिए 0, i का मतलब डायगोनल पर 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0, तो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा कितना माइनस 2,
4, 6, 8 और प्लस में 3, माइनस 2, 1, 5 प्लस का x इज इक्वल नल मैट्रिक्स 0, 0, 0, 0 ये हो गया माइनस 2 और 3, 1, 4, माइनस 2, 2, 6 और 1, 7, 8 और 5, 13 प्लस का 13 प्लस x इज इक्वल 0, 0, 0, 0 ये सारे एलिमेंट उधर जा सकते हैं, ये पूरी मैट्रिक्स प्लस में है, इधर जाएगी माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 में से 1 माइनस होगा, माइनस 1, 0 माइनस 2, माइनस 2, 0 माइनस 7, माइनस 7, 0 माइनस 13, माइनस 13 यही वैल्यू हो जाएगी x की। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड, 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल 0 कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स ए, ए की वैल्यू हमें पता करनी है जबकि बी इज इक्वल दिया हुआ है हमें, कितना है बी की वैल्यू है माइनस 2, 2, 0, 3, 1, 4 सी की वैल्यू भी दे रखी, सी की वैल्यू कितनी है 2, 0, माइनस 2, 2, 0, माइनस 2, 7, 1, 6 ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको सारी वैल्यूज को हम उठा के इक्वेशन में रख देंगे, 2a माइनस 3 की वैल्यू, 3 के साथ में कितना है b, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे b में, तो माइनस कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6, 0, 9, 3, 12 इस मैट्रिक्स में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई करते कितना हुआ 6, 6, 0, 9, 3, 12 प्लस में 5c, c में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10, 0, माइनस 10, 35, 5, 30 और बराबर में है O। अब ये O जो है उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं, ठीक, तो O कितना हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0 यहाँ से अगर देखें तो ये सारी वैल्यूज माइनस में उधर जाएंगी प्लस में हो जाएंगी, 2a इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस 6, 6, 0, 9, 3, 12 ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 10, 0, माइनस 10, 35, 5, 30 ये प्लस था उधर गया माइनस हो गया, तो माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16, 6 माइनस 0, 6, 0 माइनस माइनस 10 प्लस 10, 0 माइनस माइनस 10 प्लस 10, 9 माइनस 35 माइनस 27, 3 माइनस 5 माइनस 2, 12 माइनस 30 माइनस 18 ये वैल्यू आ गई 2a की, a की वैल्यू कितनी होगी यही 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, तो माइनस 8, 3, 5 माइनस 27 बाई 2 माइनस 1 माइनस 9 ये आंसर हो जाएगा a का, ये वैल्यू हो जाएगी a की। चलिए अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई इज इक्वल में माइनस 2 9 इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो यहां से अगर देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 3x 3y इज इक्वल है माइनस 2 9 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे इसमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2 9 ये एक एलिमेंट है ये भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक और एक ऑर्डर दोनों के सेम है इक्वल लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल में माइनस 2, माइनस 2 को इधर बुलाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0 इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल 0 यहाँ से आंसर आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल 0 x की दो वैल्यू आएंगी 1 और 2 ये आ गया ऊपर वाले एलिमेंट को इक्वेट करा के, नीचे वाले एलिमेंट को इक्वेट कराएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल में कितना आ जाएगा 9 तो ये 9 को इधर बुलाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0
इसको सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइज तो हो नहीं पाएगा यहाँ पर, तो सीधराचार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कितना होता है माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस नाइन, अपॉन में टू ए मीन्स टू, माइनस माइनस प्लस थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट में आ गया, माइनस माइनस प्लस, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और नाइन फोर्टी फाइव, अपॉन में टू। तो यहाँ से अगर नाइन को बाहर भेजें तो आ जाएगा कितना, थ्री प्लस माइनस थ्री रूट फाइव बाई टू। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन थे इक्वालिटी, इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे सब। और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखी हैं, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर सारे मटेरियल इसके कंटेंट आपको मिलता रहेगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।